हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। चलना भी चाहिए, बहुत ही मस्त तरीके से चलना चाहिए बच्चों सब कुछ। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे, किसमें बच्चों? नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी चल रही है, बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से जा रही है नॉन वर्बल रीजनिंग। उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा बच्चों। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने तरह के भी चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम कवर करके चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो हमने कवर ना किया हो बच्चों, ठीक है। एक एक चीज़ बहुत ही मस्त तरीके से आपको कराई जा रही है। और बच्चों, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखोगे ना या बुक के देखोगे तो आप देखोगे कुछ भी बच ही नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। कुछ बच गया तो फिर उस मास्टर का यहाँ खड़े होने का कोई अर्थ नहीं है आपके सामने, अगर कुछ बच गया तो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज जो हम देख रहे हैं बच्चों वो रीजनिंग में है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट तो बच्चों उसमें होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध आत्मक रीजनिंग। ये नॉन वर्बल में भी होता है चैप्टर, ये वर्बल में भी होता है। अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं बच्चों, जैसे नॉन वर्बल में मैं बोलता हूं, नॉन वर्बल में जैसे मैं कुछ भी जैसे बोलता हूं यूएसए, यूएसए डॉलर। नॉन वर्बल में वो वर्बल रीजनिंग में तो बच्चों ये आता है ऐसे, नॉन यूएसए डॉलर तो भारत क्या, भारत क्या, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो आप कहोगे भारत रुपया, तो ये जो होता है ना इनको बोलते हैं इसका इससे जो संबंध है उसका इससे वही संबंध हो, इसी को संबंधात्मक रीजनिंग बोलते हैं या एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वाले तो हमने कर लिए थे, ये तो शब्दों पर भी होता है, ये लेटर्स पर भी होता है, अंग्रेजी के ए बी सी डी, ये संख्याओं पर भी होता है। संख्याओं पर कैसे होता था बच्चों? आपको याद है 17 से 136 आया तो 15 से क्या आएगा, 15 से क्या आएगा? ऑप्शन में बच्चों आपके पास 120 है नहीं, तो आप क्या लगाते थे? 17 8 136 लगाते थे। 8 ही क्यों किया भाई, ऐसे तो 15 8 120 हो जाएगा, पर 120 ऑप्शन नहीं मिलता था, फिर हम कुछ और सोचते थे भाई। 17 8 इसलिए किया क्योंकि 7 और 1 8 होगा, 17 8 इसलिए किया क्योंकि ये 7 और 1 8, तो इसलिए 15 6 के करेंगे, 5 और 1 6, ठीक है। तो 15 6 के, तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। तो ये सब हमने बच्चों एनालॉजी में जाना था। आज हम चित्रों वाली एनालॉजी देखेंगे, आज हम चित्रों वाली एनालॉजी देखेंगे बच्चों। ये सब तो वर्बल एनालॉजी थी, ठीक है। क्या चित्रों में भी हाँ आता है क्या बच्चों? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। जैसे मैं एक छोटा सा चित्र बना दूं आपके सामने बच्चों, ड्राइंग तो मेरी वीक है पर कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सही। देखिए, एक छोटा सा मैं चित्र बना दूं बच्चों, मैंने देखा कि मैंने ये बनाया और मैंने फिर एक और देखा, मैंने फिर एक ये बना दिया। अब मैंने एक और बच्चों, एक और चित्र बनाया, मैंने यहाँ डाल दिया ट्रायंगल। अब यहाँ आगे क्या आएगा? तो ऐसे सवाल आते हैं। तो जैसे सर्कल के अंदर सर्कल हो गया, ऐसे ही ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो जाएगा। तो भाई ये तो बहुत ही आसान है सर। हाँ, तो ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, तो ये उत्तर आ जाएगा। ये होती है संबंधात्मक रीजनिंग चित्रों में, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर। चलो, तो अब मैं आगे अगर बोलूं तो भाई आप ऑप्शन के हिसाब से भी देखो और क्वेश्चन के हिसाब से भी देखो। जैसा मैंने क्वेश्चन दिया था लगभग आपका आइडिया सुपर हिट रहा, और ये तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया। अब देखो ना बच्चों कितना बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे होगे कि भाई ये इसके अंदर डबल आकृति हो गई यही चीज़, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये इसमें तो ट्रिपल कर रखा है, तो ये तो बहुत ही आसान है सर। इसी को बोलते हैं एनालॉजी रीजनिंग, एनालॉजी और नॉन वर्बल, यानी वर्बल ना हो, सिर्फ चित्र देखकर हम समझ जाए, उसी को हम एनालॉजी मतलब नॉन वर्बल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ लिखना ना पड़ता हो, सीधा चित्र देखो और उत्तर। अब चलो बच्चों आगे देखते हैं।
इसका इससे क्या संबंध है, इसका उससे वही संबंध है। तो ऐसे भी आते हैं कि एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं बच्चों। क्या ये मुश्किल भी हो सकते हैं? हाँ, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ तो ऐसे आएंगे जो टफ होते होंगे। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने देखा कि पहली वाली आकृति सबसे बाहर है, ये लास्ट वाली बीच के पे है, और ये जो है सबसे अंदर गई। तो भाई ऐसे ही कर दो ना सब कुछ। तो पहली वाली आकृति, तो पहली वाली तो सबसे बाहर, तो सबसे बाहर आएगा ये बड़ा वाला, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अंदर कौन सी गई, तीसरे नंबर की बीच में आई है, तो तीसरे की यानी यहां आएगा ट्रायंगल, और फिर बीच में आएगा ये सर्किल। तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है? तो आप देख पाएंगे बच्चों, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में हो रहा है। बहुत सही उत्तर आ रहे हैं आपके। समझ आया कि नहीं आया? भाई ये देखो ना, ये सर्किल कहाँ गया है? सबसे बाहर। तो पहली वाली आकृति यहां भी सबसे बाहर रखी हमने। फिर देखा इसने तीसरे वाली आकृति बीच में, तो तीसरे वाली आकृति हम बीच में ले आए, और बच्चों जो बीच वाली थी वो सबसे अंदर, बीच वाली क्योंकि यहां भी सबसे अंदर है। तो कितना आसान है। चलो भाई बहुत ही सही, बहुत ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बच्चों देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि ये क्या है, ये क्या है। अंजलि पूछ रही है दीपिका से, हाय दीपिका। मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही लड़के हैं, तो कुल मिला के भाई दोनों ही लड़के हैं, कोई बात नहीं। वो दीपिका को लड़की समझ रहा है, अंजलि दीपिका को, और दीपिका अंजलि को। कुल मिला के बच्चों ऐसे ही चलता रहना चाहिए, पेपर पास हो जाएगा बहुत मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो जरूरी है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होता है होता है। अब देखो नाम पे मत जाओ बच्चों, यूट्यूब है, ये यूट्यूब है, किसी के नाम पे मत जाना, बड़े बड़े धोखे होते हैं। चलो 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 आगे अगर बढ़े, आगे अगर बढ़े तो क्या आएगा, आगे अगर बढ़े तो क्या आएगा। अगर देखो बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये है, इसमें ये है, तो ये भाई कैसे आया है? ये हो सकता है। ओहो, ये डबल डबल आकृति है, सिंगल सिंगल कर दी, ये डबल डबल है, सिंगल सिंगल कर दी, ये चीज भी डबल है, तो एक बार ले दो, अंदर वाली भी सिंगल कर दो। तो भाई ये तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। क्लियर हो गया ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे देखिए, चार, और बच्चों ये इसमें खड़ी वाली सर्किल, मान लीजिए सर्किल ही कहेंगे इसको, और क्या कह सकते हो आप, कुछ और तो कह नहीं सकते। चलिए तो कुल मिला के बच्चों देखिए आपको क्या लग रहा है, ये इसमें वर्टिकल था, उसमें हॉरिजेंटल हो गया, मतलब इसमें खड़ा था उसमें लेट गया, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। और ये चार से बच्चों छह भुजा वाली आ गई, मतलब देखो इसमें चार भुजा थी ये री, और इसमें देखो कितनी है, छह है, तो भाई दो भुजा बढ़ी। तो ऐसे ही मैं तीन भुजा से पांच भुजा वाला लूंगा, पांच तो सिर्फ इसमें ही आ रही है, इसमें खड़ा था इसमें लेट जाएगा, तो कुल मिला के सर्किल इस टाइप से आ जाएगा। तो भाई बी बिल्कुल सही है ना बच्चों। तो आपको लग रहा होगा सर ये आकृति वाले मुश्किल नहीं होते क्या? भाई सब कुछ यही होते हैं, आपको लग ही आसान रहे, मैं क्या करूं। चलो अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं बच्चों, इसका ये तो इसका क्या होगा, इसका ये तो इसका क्या होगा, जरा देखो ना बच्चों, इसका ये तो इसका उसका क्या होगा। तो मैंने देखा ये डबल थे, डबल थे, सिंगल हो गया, डबल थे और घूम भी गया, घूम भी तो गया ना बच्चों, पहले इधर को मुंह खुला था अब इधर को खुल गया। तो देखिए ये डबल थे, इसका भी सिंगल हो जाएगा, ये डबल है इसका भी सिंगल हो जाएगा, तो कुल मिला के बच्चों ये चित्र आ जाएगा। यार इनमें तो बड़ा मजा आ रहा है सर, इनमें तो बड़ा मजा आ रहा है। चलो कुछ मुश्किल से दे दो ना, तो बच्चों आएंगे अपने आप, आएंगे क्रम पे आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 20 तक जाऊंगा, देखो तो सही आप। अब देखो सर इससे ये सब आए हुए हैं बच्चों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा जो कहीं ना पूछा गया हो, सब कुछ एग्जाम में पूछा हुआ ही पूछ रहा हूं, ठीक है। तो भाई इसमें क्या किया इसने ना, ये चार ही हैं, बस इनको क्या किया है, कुछ को इधर उधर कर दिया है। तो भाई मैंने क्या किया, इसने जो किया वही काम मैं कर दूंगा, इसने क्या किया है ये जो है वही रखा है, तो मैं इसको भी वही रख देता हूं,
सर्किल को वहीं रख देता हूं, फिर इसने ट्रायंगल को वहां पहुंचा दिया तो मैं गुणा को वहां पहुंचा देता हूं। जैसे यहां ट्रायंगल था, इसने इस कोने पर, मैं गुणा वहां पहुंचा दिया। फिर इसने क्या किया, इसने ट्रायंगल को तो वहां पहुंचा दिया, इस चौकोर को नीचे ले आया, देखो ये लाया, तो मैं ट्रायंगल को नीचे ले आता हूं। अब बच्चों एक चीज बच गई, चौकोर, तो ये यहां आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, बी में हो रहा है। पूरा आसान बन गया सवाल, पूरी तरह से आसान, जैसा इसमें हो रहा था सेम उसमें कर दूंगा, कोई फर्क सवाल पे नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगला सवाल आपकी सेवा में। अगला सवाल बच्चों देखिए जरा कि भाई ये क्या हो सकता है। देखो HCM का एग्जाम जनवरी में है क्या? बच्चों अभी तो कुछ इस तरह की क्लैरिटी नहीं आई है, पर मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि दिसंबर एंड तक हो जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी में फिजिकल कांस्टेबल के हैं जो तैयारियां वहां की बता रही हैं, दिल्ली पुलिस के ग्राउंड रिपोर्ट है, और अगर कांस्टेबल की है तो बस इतना करवा सकते हैं कि कांस्टेबल के बाद तुरंत ये हेड कांस्टेबल के फिजिकल लेंगे, क्योंकि बच्चों तैयारियां सबकी अलग अलग ना करनी पड़े, और वो एग्ज़ाम कराना तो वैसे भी उन्हीं के हाथ में, ये तो चलो एसएससी के हाथ में, लेकिन वो तो उन्हीं के खुद के हाथ में। और बच्चों कभी गर्मियों में फिजिकल को कोई प्रीफर नहीं करता कि मई जून में फिजिकल कराया जाए, वो बात अलग है टाइम के हिसाब से हो जाए, ठीक है, लेकिन बच्चों तो फिर फरवरी से अप्रैल तक ही फिजिकल निपटाए जाएंगे सबके, हर हाल में, एसआई वाले भी, हेड कांस्टेबल वाले भी, कांस्टेबल वाले भी। तो बच्चों एग्जाम तो फिर लगता है कि भाई दिसंबर में हो जाना चाहिए। टेंडर पास की उन्होंने कोई जानकारी दी नहीं है, मना कर दिया आरटीआई में साफ साफ कि हमारा सीक्रेट मामला, हम नहीं बताएंगे हुआ है पास या नहीं हुआ है। बताओ फिर क्या कर सकते हैं। चलिए बच्चों यूपीएसआई के लिए क्या करना है, बच्चों मैं कल वीडियो लेके आ रहा हूँ सैटरडे में, तो आप लोग जुड़िएगा, सभी लोग जुड़िएगा, और उसमें सब लोग साथ आ जाइएगा, प्लीज सब लोग साथ आ जाइए, एक बार साथ आ जाइए यूपीएसआई के लिए, कुछ ना कुछ जरूर करवा देंगे, ये गारंटी है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को साथ आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आ पाए ना बच्चों तो फिर इतना टूट जाएंगे हम लोग, मेरे साथ और बहुत बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे वो भी टूट जाएंगे, ठीक है, अगर हम कुछ नहीं करवा पाए। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अगर मिशन छेड़ेंगे और अगर आप लोग जुड़ोगे तो बहुत कुछ करवा जाएंगे, ठीक है बच्चों। और सिर्फ एक के करने से बच्चों कुछ नहीं होगा, मेरे करने से भी कुछ नहीं होता बच्चों, जब तक आप लोग साथ नहीं आओगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि संगठन में ही ताकत है, ये सब लोग आप जानते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों सबको बहुत साथ आना होगा, मैं दिल्ली पुलिस वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो भी साथ आएं, ताकि कल को हमें भी जरूरत पड़े तो हम सारे बच्चों को एक साथ ला सकें। और बच्चों इसके बिहाफ पर कल तो सिर्फ वीडियो बनाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस दिन आपको ट्विटर अभियान ये छेड़ देना चाहिए, और बच्चों पूरी मेहनत लगा देंगे जितना भी हो सके, चाहे हमें पूरा दिन ट्विटर पे बैठना पड़े, एक दिन अपनी पढ़ाई का अगर भले ही हमें खराब करना पड़ जाए बच्चों, इस बात से मत घबराना, क्योंकि जब हम आपके साथ बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम निकलवाने की गारंटी भी देंगे, कुछ भी हो पूरी मेहनत लगा के आपके साथ उतना ज़्यादा मेहनत कर दूंगा, अगर एक दिन भी बर्बाद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिन आपको हमें देना होगा, ठीक है। मैं ये सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या अंदाजा लगा लेते हैं, तो भाई कोई भी अभियान छेड़े मैं उसके साथ हो लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं अपना चेहरा चमकाने का, वैसे भी हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम तो अपना चेहरा दुबका के रखते हैं, छिपा के रखते हैं, इन चीज़ों में कभी आना ही नहीं चाहते, ठीक है। और बच्चों गवर्नमेंट सर्वेंट को आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ है, उसकी सर्विस रूल्स के, ये किसी भी सरकारी नौकर को आप पूछोगे तो पता लगेगा, ठीक है। हम बहुत लिमिटेड ही चीज़ों के लिए आगे आ सकते हैं, पर बच्चों आप लोगों को बहुत मिशन को ऊपर लेके जाना है, मैं तो किसी के पीछे रह के ही काम कर सकता हूँ बच्चों, और करूँगा, ठीक है, उस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए, पर आप प्लीज एक बार साथ आ जाइए, अगर जब हम इतना ज्यादा करेंगे तो भैया कुछ ना कुछ तो जरूर करवा के निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करवा जाएंगे कि एक एक बच्चे को इसका रिजल्ट दिखे, ठीक है। ये ही नहीं, इस बार तो मतलब ऐसा हो जाए कि भाई फॉर्म आ गए, अखबार में निकलने से कुछ नहीं होता, पिछले दो साल से देख रहे हैं, अगले हफ्ते फॉर्म आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं, इस महीने में आ रहे हैं, पता लगी अभी टेंडर ही पास नहीं है यार,
ठीक है, फिर टेंडर पे दूसरा एक्सटेंड होती चली जाती है डेट, पता नहीं क्या क्या होता है बच्चों, पता नहीं क्या क्या। चलो ये पढ़ाई की वीडियो, इसमें सारी बातें नहीं कर सकता, कल सारी बातें तसल्ली से हम लोग करेंगे, ठीक है, और कुछ अच्छा प्लान करेंगे। चलो पर ठीक, ये देखिए बच्चों, इसको अगर मैं देखूं कि ये क्या हुआ है, तो आप देखो ये दर्पण प्रतिबिंब है, जस्ट बिल्कुल ऐसे घूम गया, बिल्कुल ऐसे घूम गई आकृति, तो इसका भी दर्पण बना दो बच्चों, इसका भी दर्पण बना दो, ये तो बच्चों सेम ही बन जाएगा लगभग, ये चीज इस कोने पे थी तो उस पे पहुंच जाएगी, तो भाई कौन सा आएगा, इसमें तो दो ही लाइन है इसलिए गलत है, इसमें ये कोना गलत है, ये इसलिए गलत है, और बच्चों ये छोटा रह गया, यहां बड़ी बड़ी लाइन है तीनों, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका सी ऑप्शन है, बहुत ही आराम से आप उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जरा देखिए और आंसर निकालिए। चलो यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट बच्चों आएगा, पहले मैं सोच रहा हूं वैकेंसी पे काम कर लिया जाए, किताब निकालना बेचना ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब तब अच्छा लगेगा जब बच्चों मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं, भर्तियां नहीं आ रही है उनको सरकार के जबड़े से खींच पाऊं, ठीक है भाई, क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों सरकार को एक आदमी की कोई ताकत नहीं होती बच्चों, मैं कुछ नहीं हूं अगर आप लोग साथ नहीं है, और आप भी कुछ नहीं हो अगर आप लोग संगठित नहीं हो, कुछ नहीं हो आप लोग भी, ठीक है, आप लोगों को बस इस्तेमाल किया जाता रहेगा अपने अपने फायदे के लिए, चाहे वो कोई YouTube चैनल हो, चाहे कोई वो सरकार हो, चाहे कोई वो नेता हो, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, कब तक होते रहोगे यार। चलो ठीक है, कभी तो आपको अपनी बातें मनवानी आनी पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब तक मैं कोशिश करूंगा हर बच्चा जो ट्विटर पे नहीं है ट्विटर पे अकाउंट खोले, ट्विटर पे अकाउंट खोले बच्चों, अपने लिए लड़ना सीखो प्लीज, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है ट्विटर अकाउंट की, ठीक है, और ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारी जगह लड़ना पड़ेगा आपको और हर बार काम होगा, तो प्लीज आप ट्विटर पे अकाउंट खोलें। कैसे खोलें सर? तो भाई सीख लो, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है। चलिए तो चलिए बच्चों, अब देखिए इस सवाल का आंसर, ये जो चीज अंदर थी वो बाहर हो गई और बाहर वाली अंदर आ गई, देख लीजिए ना बच्चों, जो अंदर वाली चीज थी वो बाहर आ जाएगी, बाहर वाली अंदर चली जाएगी। अब आप कहो कि ये बाहर तो आ जाएगी, क्या ये सीधी भी हो जाएगी? ये सीधी भी हो जाएगी, ये उल्टी ही रहेगी बच्चों, ये बनना तो ऐसा चाहिए ना, तो इसमें ट्रायंगल इस टाइप से ये आ जाना चाहिए, तो ऐसा कहीं ऑप्शन अगर नहीं होता तो हम बच्चों इसको उल्टा भी कर सकते थे, अब तो ऐसा ऑप्शन ही है बहुत ही आराम से। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो बच्चों हम इस वाले पे जा सकते थे, क्यों जा सकते थे? क्योंकि हमें इसका पता थोड़ी चला है कि इसने उल्टा किया है कि नहीं किया इसको, ये तो उल्टा सीधा करके एक जैसा ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, तो इसलिए हमें हो सकता है इसने उल्टा ही कर रखा हो, तो हम इसे उल्टा भी कर सकते थे अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता। अगर ये मिल गया तो बच्चों अब इस पे नहीं जाएंगे, अब वही बेस्ट है, अब वही बेस्ट है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, यार लाइक मार दो अगर बातें समझ में आ रही है तो मेरी, ठीक है, ताकि कुछ लोग और भी देख लें उस पार्ट को जो मैंने बोला है, उसको थोड़ा किसी पे पहुंचा देना, या फिर मैं वीडियो ही बनाऊंगा तब तक सब लोग एक साथ आ जाएंगे। भाई कांस्टेबल की कोई उम्मीद नहीं लगती, नहीं मैं कांस्टेबल का भी करवा देता कुछ ना कुछ, कोई उम्मीद नहीं, सरकार मना कर चुकी है साफ साफ, ठीक है। और मेरे पास RTI जो मैंने लगाई थी उसका कल जवाब आया है बच्चों, जो मैंने फरवरी में लगाई थी, फरवरी 2020 इसी साल, और कल रिप्लाई आया है। सोचो RTI में इतना बुरा हाल है यूपी गवर्नमेंट का, 7 महीने बाद रिप्लाई, जिसका 30 दिन के अंदर करना होता है, कल रिप्लाई मिला है बच्चों मुझे उसका, 7-8 महीने बाद, यार कमाल है, क्या कर सकते हैं। चलो भाई चल रही है भाई सरकार की, तो बच्चों इसको अगर देखें, इसको वो रिप्लाई भी मैं दिखा दूंगा बच्चों आपको, ठीक है, इसको अगर देखें तो भाई ये ऐसे पलटा है, ये ऐसे पलटा है, मतलब इसका जल बना दिया, तो आप भी इसको ऐसे पलट दो तो भाई ये तो M बन जाएगा, बिल्कुल M बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों देखिए, देखिए बच्चों अगला सवाल, अब मैं इसको देखूं भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तीन गोले इधर भग लिए, ये जो है ना तीर है ये यहां आ गया भाई, एक खाना इधर और ये चीज जो है ये यहां आ गई, तो ये भी एक स्थान इधर हो रहा है,
तो मैं इसको तीर को, ये एंटी क्लॉक आया था ना बच्चों, एंटी क्लॉक यहीं तो आया इस स्थान पे, एंटी क्लॉक एक था ना, तो हम भी एंटी क्लॉक मतलब घड़ी चलती तो ऐसे है तो हम इसको ऐसे चलाएंगे। तो तीर यहां पे कौन से में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, बाकी तो और कुछ देखना ही नहीं है बच्चों। और आपने देखा ये क्लॉकवाइज थी, ये बिंदी जो है क्लॉकवाइज थी, तो आप इस बिंदी को भी क्लॉकवाइज, तो ये यहां चली जाएगी, ऐसी जा भी रही है बहुत ही आराम से बच्चों, सी लग जाएगा। आपको लग रहा होगा सर बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल को तो एग्जाम में हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और बच्चों छोड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसे भी छोड़ के आओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे औरों से, ठीक है। तीन भुजा, ये पांच भुजा, तो चार भुजा छह भुजा वाला ढूंढ लो बच्चों, छह भुजा इसमें भी है, और बच्चों इसमें इसमें कितनी है, तीन और तीन छह दो, इसमें तो आठ है, इसमें चार है, इसमें पांच है, तो छह भुजा वाला बच्चों सिर्फ एक ही बचा, सिर्फ एक ही बचा ये वाला, आराम से भाई तीन से पांच हुई बीच में लाइनिंग आ गई, चार से छह हो जाएंगे बीच में लाइनिंग आ जाएंगी, कौन सी बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो तो सही, बढ़ो तो सही। जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, इसको ऐसे घुमा दीजिए, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं बच्चों, ऐसे ऐसे सिर्फ एक बार, तो ये लाइन यहां से यहां आ गई है, और ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये लाइन भाई ऐसे चली जाएगी, ठीक नहीं। अब देखो क्या करा है इसने, ओहो हो, इसने तो भाई कुछ और ही करा है ये, हाँ ये गोला भी इसने बढ़ा घटा दिया होगा, कोई बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसने क्या किया, ये तो भाई गड़बड़ घोटाला है, ये तो गड़बड़ घोटाला है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पूरा पलट दिया, एक तो ये जो कुंदा सा था ये पूरा पलट दिया बच्चों, पहले ये इस कोने पे था, अब ये इस लाइन पे आ गया, पूरा पलटी मारा, या ये कहिए ये कुंदा अपनी जगह रहा, सिर्फ ट्रायंगल को पलटा इसने, सिर्फ ट्रायंगल को, ये कुंदा अपनी जगह रहा है, तो ये कुंदा बच्चों और किस में रह रहा है अपनी जगह, इसमें और इसमें, अपने सेम स्थिति पर, ये यहां भी था ये यहां भी है, तो ये या तो ए उत्तर होगा या डी, ये दोनों तो श्रेय से खारिज कर दो बच्चों, क्योंकि ये जो है ये इस टाइप से है। अब बच्चों इसमें तो, अब इन दोनों में हम क्या करें, इन दोनों में ये चांद जो है ये बिल्कुल सही बना हुआ है, बस बात है ये सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, इसने क्या चेंज किया सिंगल लाइन डबल लाइन, या अपनी जगह पे ही रखी है बच्चों, सिंगल लाइन डबल लाइन तो इसने भी चेंज की है, तो इसको हमें करना तो पड़ेगा बच्चों, चेंज करना तो पड़ेगा। तो भाई जिधर वो थे उधर, जिधर देखिए ये पहले इस साइड थी, ये पहले इस साइड थी, तो इसको किस साइड करना है, उस साइड करना है या नहीं, बताइए। अरे बच्चों का उत्तर आ रहा है ए, सबका उत्तर इसका ए, ए डी, भाई ये तो कमाल हो रहा है, सबके उत्तर बराबर सही आ रहे हैं, ए डी ए डी, इसका उत्तर बताओ बच्चों, इसका उत्तर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है भाई। दोनों में फुल कंफ्यूजन चल रहा है, मैं क्या करूं इसमें, ये लगाऊं या वो, बस इन 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 लाइनों का फर्क है भाई। ये ना इसने सवाल में यार कमाल करा है, इसने तो बताया ही नहीं कि ये क्या कर रखा है, ठीक है ठीक है। तो हम क्या देखें इसमें, ये इन लाइनों का फर्क है बच्चों, ये इन लाइनों का फर्क है, तो हम क्या देख सकते हैं इन लाइनों में। चलो बच्चों देख तो क्या सकते हैं, पर कोई नहीं, इसने पलटी मारा है तो मारा ही सही, ठीक है ठीक है। नहीं बच्चों इसमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कुछ भी, ना एक ही क्लैरिटी हो रही है, बस ये इस कुंदे के ऊपर तो दिख रहा था, पर बच्चों क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो इसमें जो बुक के आंसर पे जा रहा हूं मैं, वो बुक में आंसर दे रखा है बच्चों ए, पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। बुक के आंसर पे जा रहा हूं बच्चों, बुक के आंसर पे, ठीक है। और आप अंदाजा लगा लेना अब क्या कर रखा हुआ इसने, ठीक है। तो मैं बुक के आंसर पे गया हूं बच्चों, ठीक है। मुझे लग रहा है इस चित्र में और इसमें थोड़ी सी दिक्कत है या तो बनाने में ही, ठीक है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि उसने संबंध इतना बढ़िया नहीं दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं। ए उत्तर दे रखा है बुक में, मैं बुक के आंसर पे गया हूं, बस इतना बोल रहा हूं। चलिए अब अगला अगला सवाल बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, ये पलट दिए अंदर ले गया इनको, इनको अंदर ले गया, सॉरी
इसमें अंदर भी ले गया और चार भुजा भी कर दी, तो हम भी सेम कर देंगे कि तीन की चार भुजा बना देंगे और इन्हें बाहर ले आएंगे, चार भुजा और बाहर। या आप इसका इससे संबंध देख सकते हो, तीन का तीन से, चार का चार से। जैसे बाहर वाला अंदर आया, अब अंदर वाला बाहर पहुंच जाएगा। अंदर वाला बाहर कौन से में जा रहा है बच्चों? ये वाला, ये वाला। बच्चों इसमें तो ये दो अंदर है, गलत है, इसलिए तो बच्चों ये लगेगा, ये लगेगा चारों बाहर, चारों बाहर। ये तो बहुत ही आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। एक एक चीज पर नजर दौड़ाना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, बहुत पीछे छूट जाओगे बाकी लोगों से, ठीक है। तो देखिए ये पांच बिंदु है, छह बिंदु हो गए, ये छह भुजा है तो अंदर कितनी भुजा हो गई? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये आठ हो गई, छह से आठ हुई, और बिंदी भी जो अंदर है वह सात होगी, पांच से, पांच से सात। दो जगह छह बुझाती तो एक बिंदी कम, आठ बुझाती तो एक बिंदी कम, तीन भुजाए तो एक बिंदी यहां भुजाओं से कम, और बच्चों अब जितनी भी भुजाएंगी तो उससे एक कम बिंदी कौन से ऑप्शन में रख रही है? इसमें और इसमें। अब भुजा कितनी आएंगी भाई? पांच से जब आठ बनी है तो तीन से, तीन से, तीन से ज्यादा ही बनेंगी। क्या चार बना दे? देखिए पांच, पांच से बनी आठ, वैसे तो कितनी बनी है बच्चों? कितनी बड़ी है? तीन बड़ी हैं, तो तीन से तीन छह बढ़ेंगी। अब छह का तो ऑप्शन नहीं है बच्चों, छह का तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं ए पे चला जाऊंगा। क्यों चले जाओगे? क्योंकि ये पंचभुज बन जाए, कम से कम दो भुजा तो बनी भाई, कम से कम दो भुजा तो बनी, और पंचभुज बन गया, पंचभुज से जितने भुजाएं हैं उससे एक कम बिंदी, यहां चार भुजा थी एक कम बिंदी, यहां तो भैया जितनी भुजा उतनी बिंदी, यहां जितनी भुजा उससे भी एक ज्यादा बिंदी, ये तो देखते ही गलत थे। अब बात इन दोनों की रह गई थी कि भाई पांच से आठ हुई है तो तीन से कम पांच तो होंगी, ठीक है। क्या तो ये सॉरी छह है बच्चों, बिल्कुल सही है, ये छह है, छह, छह भुजा से आठ, तो दो बढ़ी है दो, तो ऐसे ही हम दो बढ़ा देंगे तो पांच ही आएगी फिर तो। क्लियर है, क्लियर है। चलो 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 आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। ये देखिए उल्टा कर दिया ये बच्चों, इससे इसका संबंध मिलाना, देखो उल्टा कर दिया तो इससे इसका आ जाएगा, गुलाई आएगी अब के पे। और बच्चों जैसे इसने उल्टा किया ऐसे आप सीधा कर दो, और सीधा कर दिया तो बच्चों ये आ जाएगा सी ऑप्शन। कई बार इसका इससे बढ़िया नहीं बनता तो इसका इससे बहुत अच्छा बनता है, इसका वैसे बना दोगे, तो जरूरी नहीं है कि इसका इससे ही देखे जाओ आप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पांच, ये सोलवा क्वेश्चन, सोलवा, पांच बच रहे हैं बस बच्चों और खत्म सवाल, ठीक है। ये पंचभुज को उल्टा कर दिया, ये बिंदी जो बीच में थी इसको सारे कोनों पे पहुंचा दिया, किनारों पे उल्टा भी कर दिया, किनारे भी पहुंचा दिए। बच्चों इसको भी उल्टा कर दो स्टार को, और स्टार को उल्टा भी कर दो, और बिंदी को किनारे पे भी पहुंचा दो। अब उल्टा स्टार कौन सा है इनमें, ये देखना पड़ेगा आपको। ओहो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है बच्चों, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, उल्टा तो करना पड़ेगा जैसे औरों में किया है, ये देखिए बिल्कुल सीध में आ रहा है बच्चों, सीध में, तो इसको अगर नीचे लाऊंगा तो ये यहां आना चाहिए कम से कम, बीचों बीच ऐसा किस में आ रहा है? या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, या तो बी में आ रहा है या डी में आ रहा है। अब ये तो दोनों गलत है क्योंकि इन दोनों में तो बीच में ये चीज नहीं आ रही है। अब मैं देखूं इन सब में क्या बीच में भी बिंदी थी? नहीं, बीच की बिंदी कोने पे आ गई, इसमें बीच में भी आ रही है इसलिए गलत है। तो बच्चों बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वो गलत क्यों है बाकी लोग, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, बहुत सही। आगे बढ़े क्या बच्चों? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ सर। ये और एक चित्राकृति है बच्चों, जरा देखो तो सही, एक और चित्राकृति है। एसएससी जीडी का बैच लेकर चले साथ बच्चों, वो मैं चलाऊंगा एसएससी जीडी का बैच जनवरी के बाद, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं बच्चों, क्योंकि आपका मार्च में फॉर्म आएंगे, अगस्त में एग्जाम होगा एसएससी जीडी पे, तो भाई फुल पकड़ है अपनी, आप सबको पता है जितना पढ़ाएंगे जैसा पढ़ाएंगे वैसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो भाई उसमें टेंशन मत लो आप, पहले आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लो, अगर यहां से किसी भगवान ना करे कि आप रह पाओ तो बच्चों फिर मैं आपको एसएससी जीडी में तो बनवा ही दूंगा, वो तो हमारा लास्ट ऑप्शन है, उसमें तो नौकरी रोजगार का चैनल का नाम है, वो रोजगार तो आपको मिल जाएगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा। पर बच्चों जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे तो लटकेंगे, तो भाई पहले आसमान पे तो छू लो, पहले आसमान छू लो, फिर खजूर पे तो मैं लटका दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, जमीन पे नहीं आने दूंगा,
ठीक है एसएससी जीडी की चिंता मत करो, वो तो फाइनल ऑप्शन है अपना। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूं कि भाई ये पूरा ही ऐसे पलट दिया, पूरा ही ऐसे पलट दिया है, इस कोने पे था इस कोने पे आ गया, इसको पूरा ही ऐसे पलट दो, पलटो ना बच्चों इसको पूरा, ये इस लाइन के साथ नहीं आएगी, ये इस लाइन के साथ आएगी, बहुत ही आराम से देख लोगे, बहुत ही आराम से देख लोगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है ये कि भाई ये जो है ना इसका ये क्या बना दिया इसने, भाई ये क्या बना दिया, तो इसका इससे देख लो ना आप, तो भाई ये तिरछा कर दिया, थोड़ी थोड़ा सा इनमें लहक दे दी, मतलब भुजाओं में, ये समझ लो। ठीक है, पिचका दिया, थोड़ा पिचका दिया, तो इस टाइप से लहक थोड़ी सी इसमें भी दे लो, थोड़ी सी दे लो, ज़्यादा मत दो। तो भाई ये देखिए, अब लहक किधर देनी है बच्चों, बात ये आती है कि लहक ऐसे दी गई है, ऐसे, तो ये भी ऐसे दी जाएगी, ये दे रखी ऐसे, इसने इसमें क्या है ऐसे कर रखा है, देखो ना इसको क्या कर रखा है बच्चा, इसको सोचेगा इसको ऐसे किया गया है, और जबकि उसने क्या किया ऐसे किया है, देखो ना ये सारी भुजा ऐसे हो गई है। ठीक है, तो सेम प्लस का निशान को भी ऐसे करो जैसा इसमें हो रखा है। बहुत सही, बहुत सही, कुल मिला के सही समझ में आ गया आपको। चलिए, तो भाई ये मैंने आपको हार्ड भी दिखा दिए, आसान भी दिखा दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इनमें बच्चों, इनसे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखिए ट्राइंगल बच्चों, ट्राइंगल का ये ट्राइंगल है, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला तो ऐसा का ऐसा ही रखा, इसके ऊपर एक और चपेट दिया ऐसे, एक और ट्राइंगल, तभी तो ऐसा बनेगा। तो भाई ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, इसके ऊपर एक और चपेट देंगे, एक और चपेट देंगे, डी ऑप्शन ये चपेट दिया बिल्कुल ऐसे ही, डी ऑप्शन के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट, अंत भला तो सब भला, ये वाली कहावत सही कर देना बच्चों, इसको सही करके अंत भला तो सब भला कर देना बच्चों, अंत भला तो सब भला। चलो आज का क्लास यहीं खत्म होगा बच्चों, अंत भला तो सब भला, 30-35 मिनट में भी रीजनिंग ऐसी दौड़ रही है हमारी भाई, खत्म, सबको बिछाते जा रहे हैं हम। ठीक है, रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं होगी हमें। चलो बच्चों, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये ऐसे घुमाया है, देखो ना ऐसे घुमाया है, या आप कहिए ऐसे नहीं घुमाया जी, इसको ये बिंदी यहां आ गई, ये यहां आ गई, तो सेम ऐसे कर दो, एक एक स्थान इधर खिसका दो, यहां बिंदी आएगी और यहां जाएगी। ऐसा किस में हो रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में हो रहा है, और किसी में नहीं हो रहा, और किसी में एक एक स्थान बिंदी बढ़ाई है बच्चों। अब देखिए, अब जो कल को क्लास होगी हमारी रीजनिंग में बच्चों, कल भी होगी रीजनिंग में क्लास, कल हम दो चीजों को खत्म कर रहे होंगे, एक तो अलग आकृति यानी भिन्न आकृति छांटना, अलग आकृति बच्चों, चार आकृति देगा, विषम आकृति छांटो, अलग आकृति, एक तो वो टाइप सवाल बच्चों कल खत्म कर रहे होंगे हम, और दूसरी चीज इसी के साथ में सीरीज, आकृतियों में भी सीरीज चलती है, बैंक में तो बहुत आती है ये, पर हमारे एग्जाम में भी देखने को मिली है। ठीक है, कि भाई इससे ये आई, इससे ये आई, इससे ये आई, क्या ये ऐसी सीरीज नहीं थी, नहीं, ये तो पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, ये क्या था, पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से, क्या तो सीरीज और अलग आकृति दोनों एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा बच्चों, और आपको लगेगा कि फिर तो भाई, फिर तो बहुत ही कम चीजें बचेंगी इसमें, उन्हें तो हम जब मर्जी, जैसे एक टुकड़े टुकड़े आते हैं, वो टुकड़े टुकड़े कौन सी आकृति से बन सकते हैं, उन सबको बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से बनवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और भी दो तीन चीजें रह रही हैं, वो सब एक साथ खत्म हो रही होंगी, बस तीन से चार क्लासेस में या चार से पांच क्लासेस में ये हम नॉन वर्बल खत्म कर रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला हफ्ता रीजनिंग एंडिंग का होगा बच्चों, ठीक है, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, वो एग्जाम स्पेशल है, उनको एग्जाम के पास ही मैं कराऊंगा। कुछ चैप्टर्स हैं जो एग्जाम स्पेशल है, मान लो निर्णय निर्धारण या डिसीजन मेकिंग जेल वार्डर में ही आता है, तो उसको तभी मैं कराऊंगा, ताकि आपको वो ध्यान रह सके, अच्छे से सीख सको। इनपुट आउटपुट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी है, AWO में भी है, और बच्चों साथ में कहाँ है वो, UPSI में, तो मैं सोच रहा हूँ उनको भी मैं थोड़ा सा डिले करके कराऊँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छी कोशिश है मेरी, जहाँ आप बेस्ट सीख सकते हो, जैसे सीख सकते हो, मैं उस तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।